दोस्तों 25 जनवरी 2020 में वेस्ट बंगाल पीएससी के द्वारा जो क्लर्कशिप का एग्जाम लिया गया था उसी में फर्स्ट हाफ में जो जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उसी का आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते पहली क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, इन व्हिच ईयर डिड इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन सी साल में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2010 में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, व्हिच कंट्री वाज रिसेंटली इन न्यूज फॉर बर्निंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। कौन सी देश ने हाल ही में एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी रेन फॉरेस्ट बर्निंग का केस हुआ था, और ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट था उसी के बर्निंग का न्यूज सारा वर्ल्ड में फैल गई थी उसी का केस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। ठीक है, आते तीसरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट रॉन्गली डिपिक्ट्स मामल्लापुरम एस। यस, मामल्लापुरम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट। ऑप्शन बी, एन एंशिएंट कैपिटल टू द पल्लवा किंगडम। यह भी सही है, होम टू द डेवलपमेंट ऑफ कथाकली डांस फॉर्म, ए टूरिस्ट स्पॉट। ओके, तो कथाकली का डांस फॉर्म एक्चुअली मामल्लापुरम, ये महाबलीपुरम का दूसरा नाम है और ये तमिलनाडु में है, लेकिन कथकली तमिलनाडु का नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कथकली पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डबल सेंचुरीज इन टेस्ट। टेस्ट मैच में कौन से क्रिकेटर द्वारा सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी बनाया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। ठीक है, हाल ही में ये जो रिकॉर्ड था पहले वो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है विराट कोहली द्वारा। ओके, आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द 2020 समर ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन। 2020 का समर ओलंपिक गेम कहाँ होगा? और ये राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोक्यो पर। ठीक है, कहाँ पर है टोक्यो? जापान में। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच वॉज नॉट ए पोर्तुगीज कॉलोनी इंडिया। कहाँ पर पोर्तुगीज कॉलोनी नहीं था? और इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। स्वाधीन भारत की पहला भारतीय गवर्नर कौन था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ओके, आते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। गवर्नर को किसने अपॉइंट करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केशव महाराज इज ए क्रिकेटर हु प्लेस फॉर। केशव महाराज कौन सी देश का क्रिकेटर है? और केशव महाराज साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज करेंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का अभी का विदेश मंत्री कौन है? अभी का विदेश मंत्री है एस जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द हेड ऑफ द इंडियाज डिप्लोमेटिक मिशन इज डिजाइनेटेड हाई कमिश्नर। कौन सी स्टेट में इंडिया का जो डिप्लोमेटिक मिशन रहता है उसका डेजिग्नेशन है हाई कमिश्नर। एक्चुअली जो डिप्लोमेटिक मिशन दूसरे देश पर रहता है उसका एक एक देश में एक एक नाम होता है, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उसमें जो इंडिया का जो जो डिप्लोमेटिक मिशन पर रहता है उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और इसका सही आंसर है यूके। ठीक है, यूके के अलावा और जो कंट्रीज है यूएसए, जर्मनी, रशिया, ये सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में है। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अमरकंटक इज इन, अमरकंटक कहाँ पर है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज नॉट ए ट्री ग्रोइंग स्टेट। कौन सी स्टेट में चाय नहीं बनती है, मतलब चाय का कल्टिवेशन नहीं होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, असम में भी होता है, त्रिपुरा में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है, और असम में इंडिया का सबसे ज्यादा चाय बनती है असम में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन द 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस राहुल गांधी वाज इलेक्टेड फ्रॉम। 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन में राहुल गांधी कहाँ से इलेक्टेड हुआ था? और वो इलेक्टेड हुआ था वायनाड से, केरला की वायनाड से इलेक्टेड हुआ था। वो दो जगह खड़े थे इलेक्शन पे, वायनाड पे और अमेठी में वो हार चुका था इलेक्शन और वायनाड में जीत गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए हॉकी प्लेयर। इसमें से कौन हॉकी प्लेयर नहीं था? इसमें से मिल्खा सिंह हॉकी प्लेयर नहीं था, वो एथलीट था। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिमस्टेक, इसमें से कौन कंट्री बिमस्टेक की पार्टनर नहीं है, और इसका सही आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्रिटिसाइज्ड इंडिया फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से देशों ने आर्टिकल 370 को जो एबोलिशन किया गया था उसके बाद इंडिया को क्रिटिसाइज किया था, और ऑप्शन है तुर्की। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ असोनी संकेत वॉज रिटन बाय, असोनी संकेत ये बुक कौन लिखा था, ये बुक लिखा था विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, और इसमें सत्यजीत राय का एक फिल्म भी है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कमलपुकुर द बर्थ प्लेस ऑफ श्री रामकृष्ण इज इन, रामकृष्ण परमहंस देव उनका जो बर्थ प्लेस है कमलपुकुर, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कमलपुकुर हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड बाय, इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से किसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोलर एनर्जी। ठीक है, और सभी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज करेंटली द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का प्रेजेंट गवर्नर कौन है, अभी जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो हाल ही में नया यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू एंड कश्मीर, और एक है लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर है, एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इसरो हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस, हिमालय से कौन सी नदी आता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द 2019 नोबेल पीस प्राइज वॉज अवार्डेड टू, 2019 का नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया था, और ये दिया गया था अबी अहमद को। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड कब त्याग किया था, और वो 1919 में गिव अप किया था नाइटहुड को, किसके बाद, जलियांवाला बाग की जो मैसाकर हुई थी उसके बाद। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद कोलकाता, इनमें से किसका कोलकाता के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, और इसका सही आंसर है सीवी रमन। ओके, सीवी रमन का कोई कनेक्शन नहीं था। मदर टेरेसा का कोलकाता का था, अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय ये भी कोलकाता का था, लेकिन हरगोबिंद खुराना ये तो यहाँ का नहीं था, लेकिन इसका कोलकाता के साथ क्या कनेक्शन थी, ये हरगोबिंद खुराना 1881 में मेडिकल कॉलेज पे ज्वाइन किया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ओके, मतलब इनमें से कौन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर नहीं जीता था, टोनी मॉरिसन, गैब्रियला मिनिस्ट्रल, अरुंधति रॉय, ओल्गा तोकारचुक। ठीक है, देखिए इसमें और जो सारे हैं, अगर इसका पता ना हो तब भी इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता था, क्योंकि अरुंधति रॉय भारत में तो लिटरेचर में इन्हें कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला था, तो इसलिए आंसर होगा अरुंधति राय। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंडियाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था, इंडियाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पहला चेयरमैन था ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था, और पहला प्रेसिडेंट था उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। उसेन बोल्ट इज ए स्प्रिंटर, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रनर। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेसेस इन, मतलब स्वामी विवेकानंद कब शिकागो में एड्रेस किया था, और वो था 1893 में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया, अलेक्जेंडर भारत में कब आए थे, अलेक्जेंडर भारत में आए थे ऑप्शन सी 326 बीसी में। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम व्हिच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड प्राइम मिनिस्टर कम इन 2019 इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी विजित हुआ था, ऑप्शन बी वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following port is not in Pakistan? इनमें से कौन सा पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंदर अब्बास। ये कहाँ पर है? ये ईरान पे है, ठीक है, ये ईरान में उपस्थित है बंदर अब्बास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुर्की recently launched an attack on the Kurds residing in, तुर्की ने हाल ही में Kurds उपजाति को अटैक किया था। ये कार्ड्स उपजाति कहां पर रहता है? ये कार्ड्स उपजाति रहता है सीरिया पर, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाई डिड आईएनए अनफर्ल द इंडियन फ्लैग आफ्टर डिफीटिंग द ब्रिटिश ऑन 14th अप्रैल 1944 में ब्रिटिश को जब पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी ने हराया था और इंडियन फ्लैग को हॉस्ट किया था 14 अप्रैल 1940 में, वो कहां पर थी? और वो थी मोइरंग पर, ठीक है, मोइरंग में पहला फ्लैग उठाया गया था, ठीक है। 39 गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम स्पोर्ट्स पर्संस एंड द गेम्स इन व्हिच दे एक्सेल्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, नीचे मैच करना है कौन सी गलत है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिकेट, ये नहीं हो सकता क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है। सिमोना हालेप, ये टेनिस खेलता है। टाइगर वुड्स, ये गोल्फ खेलता है। और जो रूट, ये क्रिकेट खेलता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिमोना हालेप, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट नहीं है? इनमें से इंडिपेंडेंट नहीं है अलास्का, ये अमेरिका का एक स्टेट है, ओके। तो दोस्तों ये था सारी क्वेश्चन का आंसर जो जीके और करंट अफेयर्स पे बेस्ड था, ओके। तो इसी से आप अपना स्कोर जो है वो तैयार कीजिए और नेक्स्ट पार्ट टू के लिए तैयार हुए, ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।